अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे ऑफिस से ज़रा जल्दी छुट्टी हो गई है, तो सोचा दोस्त के डेरे से होके हैं और आपको भी उसकी मुर्गियों का शौक करवाएं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं तो उसके डेरे पे करीब ही है, तकरीबन मेरे घर से 10-15 मिनट का फासला है। तो अभी जा रहे हैं जी, मौसम जलवायु भी बड़ा अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, तो ये काइंडली नज़ारा कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया। तो दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 मिनट का फासला तय करने के बाद पहुंच गया हूं डेरे वाली रोड के ऊपर। उम्मीद है कि एक डेरा उस जिस डेरे पर जाना है उस डेरे से एक डेरा पहले आता है, तो वहाँ से बड़ा बच के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुत्ते वगैरह रखे हुए हैं, तो जो बगैरी डॉग्स हैं। तो दोस्तों, आपको शायद नज़र आ रहा होगा ये डेरा जिस डेरे से अभी मैं गुजर के आया हूँ, यहाँ पे डॉग्स उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह तो रखी हैं लेकिन बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो बड़े चुपके से निकल के आया हूँ। ये जो मेरे दोस्त का डेरा है, इस डेरे पर आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह अभी पहुँच के आपको आगे उसके जो जानवर है वो मैं दिखाता हूँ, जो परिंदे उन्होंने रखे हुए हैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पहुँच गए हम भाई अब्बास के डेरे पे। तो ये माला माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे जानवर रखे हुए हैं। कुत्ता देख लो, एटा समझा ही नहीं खुली बगैर तेरी खैर। अपने वाला वाह जबरदस्त, उन्हें चंगा था ब्राउन है खलोता। तू फोन कर को चलाना, उस लंबा तेरे देखो फोन आख मैंने टाइम करा देना, तू वाला मैं एक दो दे चलाना आख मैंने क्या दिया। हाँ, उन फोन कर को चलाना जानवर कितने कितने है। जानवर कितने बड़े बैठे जानवर यार, बीमारी पई है तेरे लड़ी काट गया था। अच्छा, बच्चे छोटे छोटे तो पठिया और पट्ठे आ बड़ी कुकड़ियां बचा रही हैं, कुछ 7-8। अच्छा, कुकड़ भी किए, कुकड़ बड़ा खड़ा। चलो माशाल्लाह, चलो बड़ा कोतरा अल्लाह खैर रखे। सब तो बड़ा ही है कि पट्ठे में बड़ा है। नहीं नहीं, बड़ा है पट्ठा तो, एक वे दिता आया थे एक जिस्ते गला था। ए बड़ा कुकड़ है, ते दो त्रै दो कुमार गए किला ए बड़ी मुर्गी दी आदि कर दी। अच्छा माशाल्लाह, ओ दी होनी थी ओ बड़ा दा चढ़ी ने। ओ ए पे दुई कुकड़ दी थी, ओ मैं अगले लाल कर इदा दी सी, एक मां भी सी इना दी ना। ओ मैं लाल कर। अच्छा अच्छा, मां सी इना दी, ओ बुड्ढी हो गई घणी, ए जड़ी कुकड़ अपनी मार दे तो मुड़ ना। चलो और सा। हाँ माशाल्लाह, फिर दे मेरे को दे। बाहर नहीं कढ़ना धुप, फिर धुप। तो दोस्तों, ये है भाई अब्बास का मियाँ वाली सील। तो जो दो से तीन दफ़ा लड़ाई में जीता हुआ है, तो भाई इसके दो से तीन पट्ठे थे बस, काफ़ी सारे मुर्गियाँ थी और चूजे वगैरह थे, वो बीमारी आई थी तो जिसकी वजह से सारे मर गए। तो बैड लक हो गया बेचारे के साथ, क्या करे बंदा। तो दोस्तों, ये एक फ़ीमेल है 3 से 4 बच्चों को जो साथ लेकर फिर रही है। ये बहुत ही अच्छी नस्ल समझी जाती है लड़ाई के लिए, क्योंकि इसकी जो आंखें होती हैं वो अंदर को होती हैं और जो भौरे होते हैं वो ज़रा बाहर को होते हैं, तो लड़ाई भागे हवाले से बहुत अच्छी नस्ल ये समझी जाती है। तो मैं माशाल्लाह जो मेन मुर्गा है मियाँ वाली, उसके साथ इसके 3 से 4 बच्चे फिर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊँ, शकीन जो हजरात हैं वो जानते होंगे। ये एक फ्रेम है और इसके ऊपर जो जाली है जाल बना हुआ है, तो वो सारा धागे का बना हुआ है। इसमें जो अगर मुर्गा तैयार करना हो तो सारा उसको इस केज में रखा जाता है ताकि उसको जाली से अपना सरन ना पटके और वो उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो स्पेशल उसको इसी में खाना दिया जाता है और इसी में लदा रखा जाता है ताकि वो मुर्गी में साथ ज़्यादा अटैच ना हो। बस माशाल्लाह, एक बहुत ही छोटा बच्चा बकरी का मैंने देखा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
ये पानी वाली जगह है, ये कबूतरों का डरपा बनाया हुआ है, खुड्डा है जो कबूतरों का, ये इसके अंदर कबूतर है ठीक है, और ये कुछ कबूतर बाहर फिर रहे हैं आज़ाद। बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे डेरे का। और ये जो कुछ मुर्गियाँ हैं ठीक है, कुछ असील मुर्गियाँ हैं, और एक साथ मुर्गा है रेड और ब्लैक कलर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वही मेन मुर्गा है मियाँ वाली नस्ल का, जो मैंने आप लोगों को दोस्तों के साथ पहले शेयर किया है। ये वाली मुर्गी माशाल्लाह चेक करें, ये कील हैं इस मुर्गी के ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त नस्ल है ये माशाल्लाह। अगर मैं आपको मुर्गा दिखाऊं तो वो उसके अंदर चला गया है ठीक है, अभी मैं इसे किसी तरीके से बाहर निकालता हूं और दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों ये देखें मुर्गा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा असली नस्ल नस्ल का है, बहुत अच्छी नस्ल का मुर्गा है ये ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो परिंदे हैं वो कम रह गए हैं, असल में यहाँ पे बीमारी बहुत आई थी, तो जिस वजह से पट्ठे पट्ठियाँ सारे मर गए। ये जो बड़े जानवर थे, जो परिंदे थे हमारे पास, सिर्फ दोस्त के पास वो बचे हैं ठीक है। अभी इसकी भी पाँव में पट्टियाँ बांधी हुई हैं, ये सारे यहाँ पे माशाल्लाह खुद ही सारे दिन आज़ाद फिरते रहते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मुर्गी वो रही चूज़ों के साथ, वो भी इस मेल के साथ थी, इस मेल के बच्चे हैं ठीक है। ये जो है मुर्गा जो मियाँ वाली नस्ल का है, और ये मादी माशाल्लाह चेक करें ठीक है, इसके आपको कील नज़र आएंगे। मैं आपको जूम करूँ इसको, तो ये आपको कील नज़र आएंगे इसके ठीक है। तो दोस्तों ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, नज़र आएगा आपको। कबूतर फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, बहुत ज़िंदगी रही तो ऐसा माहौल बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि जहाँ वहाँ पे परिंदे ऐसे आज़ाद घूम सकें। दोस्तों नज़ारा कीजिएगा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, जो सुकून है यहाँ पे वो कहीं और नहीं है आपको ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं भाई अब्बास के, जो बकरी हैं वहाँ पे उसने रखी हुई हैं, तो उसमें एक बकरी सूई है, उसके दो माशाल्लाह बच्चे हैं, एक बच्चा इसके नीचे रखा हुआ है ठीक है, वो उठा के देख नहीं सकते, लेकिन एक बच्चा बाहर है, वो ज़रा तंदुरुस्त था, ये ज़रा कमज़ोर था, तो इसलिए उसको ढांपा हुआ है। ये एक बच्चा बाहर है जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो लगाई है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ना मासूम है। तो इनके साथ वक्त गुजारना वाकई ही बहुत अच्छा वक्त गुजारना होता है। रही है मारे ने तड़ियां काट दी थी हम तक तो 50-60 चूचा जो सारा ही आई ने नौ कटे आते नौ जो चार रहे त्रै रहे थे ये भी डैमेज जो है भाई। तो दोस्तों भाई अब्बास अभी बता रहे थे कि जिनके पास अभी 40 से 50 चूजे थे, बीमारी की वजह से सारे मर गए हैं, तो इनका नुकसान तो हो गया है, चलें कोई बात नहीं, नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी इंसान का होता है। नेक्स्ट टाइम से ही तो ये एक बघियारी डॉग है इनके पास, तो ये भी राखी के लिए रखा हुआ है इन लोगों ने, एक ये है और एक दो कुत्ते और हैं इनके पास, तो बहुत ही ज़बरदस्त समझे जाते हैं बघियारी डॉग राखी के लिए, तो इनको ये परेशानी नहीं होती कि ये डेरे पे हों या ना हो, ना हो तो ये इंसान बंदे को देखकर फुल चौकस होते हैं, इनकी ये टेंशन नहीं है कि आप डेरे पे ना हो तो आपको भी नुकसान हो जाए। तो दोस्तों देखें कैसे मुझे न्यू बंदा देखकर कैसे ये चौकस हो गए हैं, सारे आप उन्होंने दो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है, तो इनका यही फायदा है कि आपका कोई नुकसान नहीं होने देते और नया बंदा आपके जो डेरे पे है वो नहीं आता। ठीक है दोस्तों, दोस्तों के साथ काफ़ी गपशप कर ली थी मैंने दोस्त के साथ, भाई बात से वहाँ पे, तो चाय वगैरह पी ली है, काफ़ी टाइम गुजरा, अच्छा टाइम गुजर गया है, तो इंशाल्लाह चलते हैं अब घर को ठीक है। ये एक डॉग बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी,
तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।